हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम वॉरियर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरसी पे और सीएबी पे। दोस्तों, आजकल इस मुद्दे को लेकर पूरा देश का माहौल गर्म है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी दिल्ली चल रहा है, उधर आंध्रा चल रहा है, बंगाल चल रहा है, जहाँ तक ट्रेनें, बसें और भी सरकार भी बहुत सारी सरकारी चीज़ों को क्षति पहुँचाया जा रहा है। आज का तो रिसेंट न्यूज़ ये भी है कि कर्नाटक और यूपी जैसे स्टेट्स में 144 लगा दिया गया है जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन। नौबत तो अब यहाँ तक आ गई कि रेल मिनिस्टर को कल निर्देश देना पड़ा था, प्लस एमपी गवर्नमेंट को, जो उपद्रवी है उसको सूट कर दो। तो दोस्तों, इस प्रकार से अत्यंत चर्चित मुद्दे को हम लोग पर्सनल इंटरेस्ट बोलो, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस बोलो, उस सबसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम लोग अपने एग्ज़ाम पे व्यू से देखेंगे। हम लोग कोई पॉलिटिकल ज़्यादा बात नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देखेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कैब है क्या, सीएबी है क्या? तो इसका फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक। ये 2019 में है, इसके लिए 2019 है। नेक्स्ट एनआरसी, एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। दोस्तों, सीएबी को समझने से पहले एनआरसी को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज एनआरसी? द एनआरसी इज अ रजिस्टर मेंटेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इफेक्टिवली लिस्ट आउट द इंडियन सिटीजन्स इन आसाम एंड वीट्स आउट द इन्फिल्ट्रेटर्स। द रजिस्टर वॉज फर्स्ट मेड फॉर असम, बट ऑन 20th November 2019 द होम मिनिस्टर अनाउंस दैट इट वुड बी एक्सटेंडेड टू द इंटायर कंट्री। क्या ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया गया रजिस्टर समझ लो? वो ट्रेडिशनल रजिस्टर, कागज़ पत्र वाला नहीं, और सब ऑनलाइन वाला, जो हमारे देश के जो नागरिक उन्हें लिस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट। वो जो डॉक्यूमेंट प्राइवेट प्रोवाइड करते हैं हमें अपने आप को नागरिक दिखाने के लिए, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे भारतीय नागरिक को लिस्ट करता है। उसके अलावा जो बच्चे उन्हें इलीगल इमिग्रेंट माना जाता है या फिर इन्फिल्ट्रेटर्स। तो अब परेशानी क्या हुई कि एनआरसी जब बना, सबसे पहले असम में लागू हुआ था, असम में जब एनआरसी बना तो वहाँ पर क्या परेशानी हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे बचे जो जेन्यून इंडियन थे, लेकिन वो अपनी नागरिकता को कागज़ पत्र के माध्यम से प्रूफ नहीं कर पाए। तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ वहाँ पे, अपोजिशन लोग तंग किया, तो गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर के आया, वही है सीएबी। और उसमें क्या प्रोविज़न है, चलिए आगे हम देखेंगे। पहले तो एनआरसी के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर एनआरसी? अंडर एनआरसी, पर्सन इज एलिजिबल टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दे प्रूव दैट आइदर दे और देयर एंसेस्टर्स वेयर इन इंडिया और ऑन और बिफोर 4th March 1971. The Assam NRC process was initiated to weed out illegal Bangladeshi immigrants who came into India during the India-Pakistan war in 1971, which led to the creation of Bangladesh. ये पूरा मुद्दा क्या है? पहले तो जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, जिस समय बांग्लादेश बना था, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ नागरिक वहाँ के थे, वो लोग माइग्रेट करके चले आए इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सब बसे जा करके। तो उसी में क्या हुआ, एक बार एक असम के सांसद की मृत्यु हो गई, तो बाई इलेक्शन कराना पड़ा। उस इलेक्शन में मालूम पड़ा कि जो रजिस्टर्ड वोटर है उनसे कहीं ज़्यादा जो अनरजिस्टर्ड, जो बाहर के इमिग्रेंट्स वगैरह आ गए थे, वो लोग हो गए थे। तो उसी समय एक समझौता हुआ था जिसको असम एकॉर्ड के नाम से जाना था, 1985 में। उसमें एक डेट फिक्स किया गया कि जो आदमी 24 मार्च 1971 को भारत का सिटीजन था, वो लोग वोट कर सकेगा। और वही एक डेडलाइन, कट ऑफ डेट फिक्स किया गया कि 24 मार्च 1971 के अनुसार ही उधर का नागरिकता डिसाइड किया जाएगा। तो यही है एनआरसी में एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया कि आप 24 मार्च 1971 को भारत का नागरिक थे, ये चीज़ अप्रूव कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट सीएबी, बहुत ही चर्चित टॉपिक। द बिल अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू इफेक्टिवली ग्रांट सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान फॉर इंडियन सिटीजनशिप। मोर ओवर, दे विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर रिसाइडिंग इन द कंट्री फॉर 5 years इंस्टेड ऑफ 11 years। हाँ, तो ये क्या है सीएबी? जैसे जब एनआरसी बनाया गया असम में, बाद में गृहमंत्री द्वारा कह दिया गया कि पूरे देश में बनाया, तो असम में क्या परेशानी हुई कि जब एनआरसी रजिस्टर बना तो उसमें बहुत लोग ऐसे निकले जो अपने नागरिकता को प्रूफ नहीं कर पाए। बहुत लोग ऐसे थे, रिफ्यूजी थे, जो बाहर के देशों में, पड़ोसी देशों के में ये धार्मिक प्रोसिक्यूशन का शिकार हुए थे, तो वो इस सब के वजह से भारत में आ गए थे, वो शरण की मांग कर रहे थे। तो अब एक बिल के माध्यम से उन्हें शरण देने का प्रावधान किया गया। उसमें क्या, तो इस बिल में क्लियर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 3 देशों के नागरिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पे के नागरिक का नागरिक होना चाहिए।
उसमें भी क्या, तो ये उन्हीं रिफ्यूजी पे लागू होगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, और उसमें भी वो सिक्स रिलीजन डिफाइन किया गया, उन्हीं छः रिलीजन जिसमें मुस्लिम नहीं है। और एक प्रोविजन क्या है, तो पहले जैसे रेगुलर सिटीजनशिप के लिए रूल था कि जिस साल आप अप्लाई करते उससे 12 महीना रेगुलरली आप इंडिया में रहे हों, इसके बाद उससे प्रीसीडिंग 14 ईयर्स में आप 11 साल भारत में रहे हों तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या कर दिया है कि रिफ्यूजी है उसको दो चीज़ प्रूफ करना, एक तो वो ये छः धर्म का कोई में से कोई है, दूसरा ये इन तीन देशों का से रिफ्यूजी होकर के आया है, और तीसरा वो 5 साल इंडिया में रह लिया है, 2014 से लेके 19 तक 5 साल तक रहा है। तो ये आगे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, चलिए देखते हैं इसे। हु इज एलिजिबल, व्हाट इज द कट ऑफ डेट, द प्रपोज लेजिस्लेशन इज एम्ड एट दोज वे आर फोर्स्ड और कंपेल्ड टू सीक शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू प्रोसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जिनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है और दूसरे देश से भगाए गए हैं, उन्हीं को शेल्टर देने के लिए ये बिल आया है। एंड एम्स टू प्रोटेक्ट सच पीपल फ्रॉम द लीगल रेमिफिकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेशन, और उन लोगों को जो रिफ्यूजी है, इलीगल माइग्रेंट है हुए, उनको जो कानूनी जटिलता है उन सबसे बचाना, और इसके लिए ये क्रिटेरिया रखा गया है कि ये निम्नलिखित सिक्स धर्म में से होने चाहिए, दीज सिक्स नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। और नेक्स्ट इसका डेट, तो कट ऑफ डेट इज दिसंबर 31st 2014, इंप्लाइंग दैट एप्लीकेंट्स मस्ट हैव इंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर द डेट, 31 दिसंबर से पहले या फिर टिल दैट डेट इंडिया में वो प्रवेश किया हो, बस ये तीनों क्रिटेरिया है। अब ये किसी न किसी तरह से एनआरसी से संबंधित है, तो एनआरसी से इसका क्या लिंक है ये देख लेते हैं हम लोग। आफ्टर द फाइनल एनआरसी लिस्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन 31st अगस्त, देयर वॉज मच कंट्रोवर्सी विथ पार्टीज एलिगिंग दैट मेनी जेन्यून सिटीजन्स इन पर्टिकुलरली बंगाली हिंदूज हैड बीन लेफ्ट आउट ऑफ द फाइनल लिस्ट, दिस हैड पोलिटिकल रेमिफिकेशन फॉर द बीजेपी इन बंगाल एंड द सेफ्रॉन पार्टी हैज सिंस आर्ग्यूड इन द स्टेट दैट द कैव विल इंश्योर दैट नो बंगाली हिंदू इज लेफ्ट आउट। तो इसमें क्या हुआ, एनआरसी में जैसे मैं पहले बताया कि किसी को डॉक्यूमेंट नहीं होता, बहुत लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं जिनका आज तक स्कूलिंग नहीं हुआ है, न उनके पास ज़मीन है, वो भूमिहीन है, तो उन लोगों के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि वो इंडियन सिटीजन हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हो कि बहुत से लोग छूट गए, और इसी मुद्दे पर जब पॉलिटिक्स हुआ तो ये नया बिल ला करके कोशिश किया गया उन लोगों को रिलीफ देने का। तो इस मुद्दे पर सरकार का लॉजिक क्या था, सरकार बोल रही थी कि जो विभिन्न अल्पसंख्यक जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं और उस कारण से जो हमारे देश में शरण के लिए आए, उन्हें हम मानवीयता के नाते से नागरिकता प्रदान करेंगे, और विवाद जो है वो क्यों है। तो पहला तो ये कारण है कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है जो पड़ोसी देशों में जैसे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान के कुछ और मुस्लिम वर्ग जो अपने देश में पीड़ित हैं और वो रिफ्यूजी बन करके यहाँ आए हैं, वे तो इस बिल के मुताबिक अयोग्य रह जाएंगे। दूसरी बात ये भी है, कुछ मुस्लिम वर्ग जो जेन्यून इंडियन है जैसे जंगलों पहाड़ों आदि पर रहने वाले, जिनका न कभी स्कूलिंग हुआ है, न जिनके पास किसी तरह का प्रूफ है, जो ना आधार रखे हैं, वो तो रेगुलर सिटीजन सब क्लेम नहीं कर पाएंगे और एनआरसी के बाहर हो जाएंगे, और उनके लिए कैब में भी कोई प्रोविज़न नहीं है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम के लिए है, या फिर और भी बहुत सारे हिंदू भी हो सकते हैं इस परेशानी में आ सकते हैं, जैसे बहुत एरिया जहां बाढ़ आती है, बाढ़ वाले एरिया में कहीं मान के चलो जंगलों में रह रहे हैं, आग लगे उनका सारा चीज़ जल गया, कभी बाढ़ में सारे बह गए, अपना जान बच गया, वो लोग तो अपना सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर पाएंगे अदर कम्युनिटीज़ में भी, और उनके पास ये भी परेशानी होगी उनके साथ कि वो तो ना दूसरे देश से आए हैं जो दूसरे देश का ना ये दिखा सकेंगे प्रूफ कि हाँ मैं इसी देश फलाना कंट्री जो आप सिक्स लिस्ट किए हैं उसी कंट्रीज़ का हूँ, बावजूद इसके कि वो इस सिक्स रिलीजन के कैटेगरी में आते हों। और मुस्लिमों का कहना भी एक तरह से सही है क्योंकि वो असम में जब हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे बच गए थे जो अपना सिटीजनशिप जेन्यून सिटीजन होने के बावजूद भी प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो इस सब की वजह से लोग अपने अपने स्तर से सभी विरोध कर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि सीएबी में और एनआरसी में डिफरेंस क्या है। तो पहला अंतर है कि सीएबी विल प्रोवाइड इंडियन सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, जो कैब का बिल आया वो तो रिलीजन बेस पे सिटीजनशिप डिसाइड करेगा, बट एनआरसी हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। हमारे संविधान में लिखा हुआ कि धार्मिक आधार पर किसी भी नागरिक, देश के किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो हमारा एनआरसी वही है कि बस इंडियन सिटीजनशिप आपको प्रूव कर देना है और इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। चलिए नेक्स्ट अंतर, नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट अंतर क्या है, सी ए बी लाइकली टू बेनिफिट नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स। इसमें तो क्लियर है कि नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को ही बेनिफिट दिया जा रहा है इसमें। एनआरसी इज एम्ड एट डिपोर्टेशन ऑफ ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। जबकि एनआरसी क्या था, जो हमारा देश का नागरिक है उसका हम रजिस्टर बना लें, उसके बाद जो बचे वो उसे डिपोर्ट कर देंगे, बाहर भेज देंगे। तो इसका ये पर्पज था। आगे है सी ए बी टू ग्रांट सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। जबकि एनआरसी असम वॉज एम्ड आइडेंटिफाइंग इलीगल इमिग्रेंट्स मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश। तो क्या है कि कैब तो है जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स है, ये तीन कंट्री का उन लोगों को रिलीफ देने के लिए, जबकि एनआरसी था सिर्फ और सिर्फ स्पेशली तभी जब लागू किया गया था तो असम में जो बांग्लादेशी शरणार्थी आए थे उस पर था, लेकिन अब तो खैर पूरे देश में कहीं से भी आए हो तो उस पर गाज गिरेगा। नेक्स्ट है सी ए विल ग्रांट सिटीजनशिप टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज हु इंटर इंडिया ऑन और बिफोर दिसंबर 31, 2014। इसमें क्या है, रिलीफ देते हुए वो प्रोविज़न किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर उस डेट तक जो भी भारत में आ गए हैं और इस छह धर्म के इन तीन देशों के उन्हें नागरिकता दे दिया। जबकि एनआरसी में एनआरसी विल इंक्लूड, तो एक डिफरेंस इसमें कट ऑफ डेट का, सीएबी के लिए एलिजिबल होने के लिए कट ऑफ डेट था, सीएबी के लिए एलिजिबल होने के लिए कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया है 31 दिसंबर 2014। जबकि एनआरसी में क्या था कि वो मार्च 1971 को वो भारत का सिटीजन था, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो ये तो रही बेसिक बातें, और अब हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक पे, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो क्वेश्चन बनता है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का जिक्र करता है, ये है भाग टू पार्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है रिसेंटली पास्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड ऑन, वो डेट क्या था जब ये बिल पास हुआ था, तो इसका डेट था 11 दिसंबर 2019 इन पार्लियामेंट एंड 12 दिसंबर 2019 अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। पहले तो दोनों सदन में पास होता है फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं, तो 11 दिसंबर पार्लियामेंट में पास हो गया था दोनों सदनों से और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मोहर लग गई और ये कानून बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, When did the default Indian Citizenship Act came into force? भारतीय नागरिकता अधिनियम मूल रूप में कब फोर्स में आया, तो मूल रूप में फोर्स में आया था 1955 में। नेक्स्ट है When did the Assam Accord happen? इसी से रिलेटेड है कि असम समझौता कब हुआ था जिसमें ये कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया कि 24 मार्च 1971 होगा, तो वो समझौता हुआ था 1985 में, ऊपर भी बताया हूँ। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप, तो ये है आर्टिकल 5 to 11, और ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार लीजिए, 5 to 11 ही है आंसर इसका। नेक्स्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जिक्र है, सिंगल सिटीजनशिप। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एनआरसी सबसे पहले लागू किया गया किस स्टेट में, तो वो सबसे पहले असम में लागू किया गया था और बाद में पूरे देश में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो छूट गया बताना, वो है व्हाट अबाउट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो बाहरी नागरिकता विदेशी नागरिक। ऐसे तो हमारे संविधान में क्लियर मेंशन है कि हमारा एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेज है जिसमें दूसरे देश का भी नागरिकता लिया जा सकता है या फिर बाहर में रहते हुए भी आप भारत का नागरिकता रख सकते हैं। तो इस बिल में ये क्लियर बता दिया गया है कि बाहर का नागरिकता, द बिल ऑल्सो प्रोपोजेज टू इनकॉर्पोरेट सबसेक्शन डी टू सेक्शन 7 प्रोवाइडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन वेयर द ओसीआई कार्ड होल्डर हैज़ वायोलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट और एनी अदर लॉ इनफोर्स। मीन्स किसी भी तरह का जो नागरिकता अधिनियम है उसका किसी भी तरह का वायोलेशन होता है बाहर में रहने वाला आदमी का, तो उसका नागरिकता भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यही था दोस्तों एनआरसी और सीएबी। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ में आई होगी, और इसमें अब इतना सारा हंगामा देख करके अगर कुछ चेंजिंग होता है तो मैं फिर अपडेट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।